हेलो एंड वेलकम, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं ढोकला, बहुत ही स्पंजी, सॉफ्ट और टेस्टी ढोकला। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं, ढोकला बनाते हैं। सबसे पहले 250 ग्राम बेसन लिया है, उसमें हम एक चम्मच लाल मिर्च डालेंगे और एक चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार लेंगे, एक चम्मच चीनी लिया है। सबको मिक्स करके उसमें एक चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे और अदरक क्रश करके आधा चम्मच के करीब डालेंगे। सारे सामग्री को एक ही साथ मिक्स करके पानी डाल के और अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे। अलग से पानी में घोल के फिर डालने की कोई झंझट ही नहीं, एक ही बार सब तैयार करेंगे हम। और अच्छा सा घोल तैयार हो चुका है, अब हम इसमें आधा नींबू डालेंगे। नींबू डालकर अच्छे से इसको मिला लेंगे। अब हम इसमें कटा हुआ हरा मिर्च डालेंगे और ये हमारा घोल तैयार है। ढोकले को स्टीम करने के लिए एक बर्तन में हमने पानी खोलने के लिए रख दिया है। अब हमने थोड़ी देर के लिए ढोकले को के बैटर को सेट होने रख दिया था। अब हम उसमें सोडा मिलाएंगे और बेकिंग पाउडर मिलाएंगे, ना ही कोई साइट्रिक एसिड और ना ही इनो, बिना इनो के ही हम अच्छा और स्पंजी ढोकला बनाएंगे। एक थाली में मैंने तेल लगा लिया है, ग्रीस कर लिया है, उसमें ढोकले का बैटर डाल देंगे। पानी जो है तो बॉईल हो चुका है, अब हम उसमें ढोकले का प्लेट रख देंगे स्टीम होने के लिए। 20 मिनट के बाद निकालेंगे ढक्कन, देखेंगे कितना अच्छा हो चुका है स्टीम, और चाकू या किसी टूथपिक से उसके अंदर हम डाल के देखेंगे। अगर बैटर गीला आया ऊपर तो कच्चा है, अगर नहीं आया तो पक चुका है। अब हम ढोकले को निकाल लेंगे एक प्लेट में कट करने के लिए। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा दिख रहा है, ये एकदम सॉफ्ट और स्पंजी है। आप देख सकते हैं इसमें जो जाली बना हुआ है, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं इसमें जाली बन चुका है। अब इसको हम कट करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये कट हो चुका है, देखिए कितना सॉफ्ट है। अब हम इसको चलते हैं तड़का लगाने के लिए। तड़का लगाने के लिए हमने एक पैन में तेल गरम किया है, उसमें करी पत्ते 8-10 डाले हैं और राई के दाने डाले हैं और हरी मिर्ची को कट करके डाला हुआ है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए उसमें हम पानी डाल देंगे। पानी डाल के उसमें हम थोड़ी चीनी मिलाएंगे और थोड़ा नमक मिलाएंगे। नमक हमने पहले मिलाया हुआ है ढोकले में, इसलिए कम ही मिलाएंगे। ये एक उबाल आने के बाद हम इसको नीचे उतार लेंगे और ये ठंडा हो जाए तो ढोकले पे सबको डालते जाएंगे। सारे ढोकले पे हम डाल देंगे और ये स्पंजी और टेस्टी सॉफ्ट ढोकला तैयार है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। दोस्तों अगर मेरे बोलने में कहीं कुछ गड़बड़ी है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिए और मुझे ये बताइए कि मैंने क्या गलत बोला है, क्योंकि मैं अभी पहली बार YouTube पे वीडियो बना रही हूँ। सॉरी एंड थैंक यू।